राशन मध्ये सकस आहार म्हणून किमान 15 किलो व डाळ कडधान्य तेल ही मागणी पूर्ण होवी. देखिए बस्ती बस्ती में जन सुनवाई राशन पर लगानी है. अब इनको भी ये मंजूर है, वो पूजा ताई को खबर करें और उसका आयोजन करेंगे. इसमें जो जो राशन के नाम पर नहीं हो रहा है वो सब करवाने के लिए एक पूरा रिपोर्ट तैयार होता है. तो आरोग्य ऑफिस में जाकर राशन कार्ड, इसमें अगर गलत राशन कार्ड है, बीपीएल का चाहिए, एपीएल का दिया है, इनकम आय ज्यादा दिखाई है, जो लॉकडाउन में कम हो गई, सभी मुद्दे उसमें ले सकते हैं. बहू घर में आई है पर उसका नाम नहीं डाला गया है, सब हो सकता है. तो इसके लिए भी राशन की सुनवाई के लिए ये सब मुद्दे जो अभी रखे हैं उसको लेकर आगे बढ़ना होगा. कोई एक आवेदन और एक चर्चा से बात नहीं छुटती है, ये आप ध्यान में रखना. नीचे से ऊपर तक बात करके आगे जाना पड़ता है. और महानगर पालिका के पहले की बात हुई ना, वार्ड सभा के लिए अपने अपने नगर सेवक को सभी लोगों ने एक पत्र देना है. ये म्युनिसिपालिटी कानून के धारा 29 के तहत चुनाव के पहले आप अगर वार्ड सभा नहीं ले लेंगे, वार्ड सभा में हमारे मुद्दों की सुनवाई नहीं करेंगे, तो हम आपको वोट नहीं देंगे और कानून के तहत आप पर कार्रवाई करके आपका नगर सेवक पद भी रद्द करवाने की हम तैयारी करेंगे. सुभद्रा ताई है हमारी, निर्मला गुप्ता है, सभी के साथ बैठकर आप लोगों को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि राशन के ऊपर जन सुनवाई कैसे होगी. और आवास के अधिकार पर मैंने कहा कि माड़ा की जमीन हो या राज्य सरकार की, जबकि 16 मई 2018 का आदेश है कि 2011 के पहले जिनका घर बना है उनका घर दूसरा घर दिए बिना नहीं तोड़ सकते हैं. तो इसका उल्लंघन होता है तो उन लोगों ने खड़े रहकर दूसरों के भी घर बचाना संभव होता है और ये बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आपके पूरी अर्जियां, आपके पूरे कागजात व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा. माहौल के बारे में आवेदन में हर चीज़ लिखी हुई है और हम लोगों को लीगल नोटिस देने की हमारी पूरी तैयारी है, पर हम लोग फिर भी रुके हैं. और खबर आई है कि कल से MMRDA के कुर्ला प्रीमियर के बिल्डिंग रूम का काम शुरू हुआ है. महोदय, आज आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मुंबईच्या गरीब, विस्थापित, वंचित समाजातील महिलांच्या वतीने हे पत्र आपणास देत आहोत. खरे तर आयुष्यातील प्रत्येक दिवस हा स्त्रियांच्या योगदानाशिवाय पार पडत नसतोच, तरीही 8 मार्च या दिवशी महिलांचा प्रत्येक अधिकार, त्यांना भोगावी लागणारी प्रत्येक समस्या नव्याने पुढे येत असते, तसेच त्याबाबतची जाणीव समाजास करून देत ती संवाद व संघर्षासहित तयार होत असते. आज शेकडोंच्या संख्येने आझाद मैदान इथे जमलेल्या मुंबईतील गरीब, वंचित महिला या सर्व श्रमिकच आहेत. आम्हा सर्वांना हवा आहे तो प्रत्येक अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहे, मात्र यासाठी अनेक वर्ष आम्हाला अहिंसक मार्गानेच परंतु लढावे लागते. हेच दुर्दैव आहे, हाच अन्याय आहे आणि आम्हाला तो मान्य नाही. आपल्यासारख्यांच्या आमचे अधिकार मिळवून देण्यास सहयोग राहील या अपेक्षेने आज आपणासह संवाद करू इच्छित आहोत. खालील मुद्द्यांवर हक्क मिळवून देण्यास आपण सहयोग कराल तरच आम्हाला महिला शक्तीचा संघर्ष करावा लागणार नाही, हे निश्चित. बृहन्मुंबईतील किमान 50-55% लोक गरीब वस्त्यामध्ये राहतात, हेच खरे श्रमिक. व येथील गृहनिर्माण उत्तुंग इमारतीपासून हायवेज पर्यंत सर्वच निर्माण कार्य करणारे श्रमिक, कारखान्यातील उत्पादक, सेवांचे वितरक, छोटा व्यापार करून स्वतः बाजार उपलब्ध करणारे फेरीवाले, रहडी पटरीवाले, घरोघर कार्य करणाऱ्या महिला श्रमिक, हे सारेच वस्त्यामध्ये राहतात. यांना प्रत्येक मूलभूत सुविधा उपलब्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे, हे आपणही मान्य कराल. मात्र आजही अनेक वस्त्या या पर्याप्त पिण्याचे पाणी, शौचालये, स्वस्थ केंद्रे, रस्ते व स्वच्छता यापासून वंचित आहेत. मुंबईच्या विकास आराखड्यामध्ये वस्त्यातील नागरिकांचा पूर्ण सहभाग घेतला जात नसल्यानेच हे चित्र बदलत नाही. खालील काही वस्त्यांमध्ये या सर्व सोयी उपलब्ध करण्यासाठी आपण संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना निर्देश देऊन आमच्यासह संयुक्त टीम बनवून सर्वेक्षण व अंमल त्वरित कराल, ही अपेक्षा आहे. मुद्दा 1, अंबुजवाडी मालाड ऑर्ड पी नॉर्थ, सिद्धार्थनगर वर्सो ऑर्ड के, मंडाला मानकोद ऑर्ड एम ईस्ट व गोळीबार खार ऑर्ड.
मुद्दा नंबर दोन, माहुल चेंबूर येथील प्रकल्पग्रस्तांना माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पर्यायी घर प्रदूषणमुक्त क्षेत्रात देणे व त्याचे जीव आरोग्याचे रक्षण ही आपलीच जबाबदारी असल्याचे आपण जाणताच 2019 आदेशापासून आजपर्यंत 850 कुटुंबांना गोराई, अप्पापाडा, मालाड येथे घरे मिळाली तरी उर्वरित देणे बाकी आहे. तिथे अनेक वर्षापासून खाली राहिलेल्या हजारो घरापैकी कोणत्या इमारतीतील 1600 घरे सुधारून देणार हे सारे निश्चितच होऊनही राजकीय हस्तक्षेपाने कार्य पुढे जात नाहीये हे आपण लक्षात घ्यावे. अत्यावश्यक कार्य 2 महिन्यात पूर्ण करून MMRDA कडून घरे 16,000 उपलब्ध करून घेऊन 1600 उपलब्ध करून घेऊन माहुल प्रकल्पग्रस्तांना द्यावीत, अन्यथा आम्हाला कायदेशीर तक्रार पुढे न्यावी लागेल हे आपणही समजू शकाल. माहुल प्रकल्पग्रस्तांपैकी 76 जणांना गोराई घाटकोपर्यंत घरे देण्याचे ठरविले आहे. त्याची यादी सुद्धा आपल्या कार्यालय तसेच माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, माननीय जितेंद्र आव्हाडजी, माननीय उदय सामंतजी यांच्यासह आदित्य ठाकरेजी यांच्या उपस्थितीमध्ये मंजूर झालेली होती. त्याची अंमलबजावणी एन वॉर्ड घाटकोपर कडून व्हायची होती, पण आजपर्यंत ती यादी एन वॉर्ड कडून SRA कडे पाठवणे एवढीच प्रक्रिया बाकी असताना घरं तयार असूनही त्याचं वाटप झालेलं नाही यामध्ये काही प्रश्न उभं न करता तत्काळ घरे देण्यात यावीत, ज्यामुळे ज्यांची घरे अनेक वर्षापासून तोडूनही त्यांना माऊलमध्ये घरे देणे शक्य झालंच नव्हतं आणि हायकोर्टाने माहुलमधील पुनर्वसन होऊ नये असा आदेश दिला होता. यांना गौराबाईमध्ये घरे मिळू शकतील का? आपण याचा तात्काळ पाठपुरवठा करून सर्व स्पष्टता करून द्यावी व कार्याची अंमलबजावणी व्हावी ही अपेक्षा. मुद्दा नंबर 3, मुंबईतील गरिबांचा मोठा प्रश्न आहे तो आवास अधिकाराचा. 2011 पूर्वीच्या घरांचे विस्थापन न करण्याचा निर्णय हा आमच्या संघर्षातूनच झाला, तरी त्याचे पालन न होता आजही गरिबांची घरी तोडणे यांना त्या प्रकल्पासाठी सुरूच आहेत. वरील निर्णयांचा शासकीय आदेश दिनांक 16/5/2018 पासून आजवर अंमलबजावणी काय? समिती गठीत करणे, सशुल्क पर्यायी घर देताना शुल्क किती आकारणार ते निश्चित करणे हे झालेलेच नाही. हे कार्य आपल्या पुढाकाराने त्वरित व्हावे व आजही विस्थापित होऊन बेघर होऊन पुनर्वसित न झालेल्याबाबत त्यांचे आधारभूत कागदपत्र तपासून त्यांना या निर्णयाचा लाभ द्यावा ही विनंती. अशी कुटुंबे अप्पापाडा मालाड व आंबुजवाडी मलाड येथे आहेत, तशी सिद्धार्थनगर, वर्सोवा व मंडाला मानकूर येथे आहेत. कृपया त्यांच्या संबंधित वॉर्ड ऑफिस कडून तपासणी करून घेऊन त्यांना न्याय त्वरित द्यावा. मुद्दा नंबर 4, कुणाही गरिबांचे घर कायदेशीर न्याय देऊन पुनर्वसित केल्याशिवाय तोडणे हा अन्याय करू नये. गोराईमध्ये पुनर्वासितांचा म्हाडातर्फे कायमी घरं दिल्याचे कागदपत्र घेऊन सहकारी सोसायटी बनवण्याचा अधिकार व त्यात सहयोग हे सारे मुंबई महापालिकेतर्फे होणे अजूनही बाकी आहे. म्हाडाकडून पत्रोत्तराची सांगता करून घ्यावी. गोराईमध्ये, मालाड व अप्पापाडामध्ये इमारती सर्व सुधारणांसाठी पर्याप्त फंड उपलब्ध करून द्यावा. मुद्दा नंबर 5, घटनेच्या 47 कलमानुसार महाराष्ट्रातील दारूबंदीचा कायदा तात्काळ पारित व्हावा. अवैध दारू विक्रीवर तक्रार येताच त्वरित कार्यवाही व्हावी. मुद्दा नंबर 6, मंजूर आहे. मुद्दा नंबर 6, महानगरपालिका कायद्यानुसार कलम 29 नुसार मुंबईतील नगरसेवक नियमित वार्ड सभा आयोजित करत नाहीत, त्याची दखल घेऊन कृपया तात्काळ नगरसेवकांना आदेश देण्यात यावेत व येत्या निवडणुकीपूर्वी वॉर्ड सभा घेण्यास भाग पाडावे ही विनंती. तसे न केल्यास आपण कार्यवाही सुद्धा करू शकाल व करावी ही अपेक्षा. मुद्दा नंबर 7, महानगरपालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळेलच अशी खात्री आपल्याकडून अपेक्षित आहे. सफाई कामगारांना हे सर्वप्रथम प्राप्त व्हावे, तसेच आरोग्य सेविकांनाही, वाल्मिकी समाज, दलितांनाही जात प्रमाणपत्रासाठी अडवणूक होते ती न करता महाराष्ट्रातील सर्व योजनांचा लाभ मिळायलाच हवा. मुद्दा नंबर 8, वृद्धावस्था, विधवा पेन्शन, राशन मिळवण्यामधील अनेक अडचणी गरीब स्त्रियांना हैराण करत आहेत. कृपया या संदर्भातील सर्व त्रुटी दूर करून सहयोग करण्याचे निर्देश सहाय्यक आयुक्तांना द्यावेत. राशनमध्ये सकस आहार म्हणून किमान 15 किलो व डाळ, कडधान्य, तेल ही मागणी पूर्ण व्हावी. राशन पर लगानी है, आप इनको भी ये मंजूर है, वो
पूजा तारीख को खबर करें और उसका आयोजन करेंगे। इसमें जो जो राशन के नाम पर नहीं हो रहा है वो सब करवाने के लिए एक पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, तो आरोग्य ऑफिस में जाकर राशन कार्ड, इसमें अगर गलत राशन कार्ड है, बीपीएल का चाहिए, एपीएल का दिया है, इनकम आय ज्यादा दिखाई है, जो लॉकडाउन में कम हो गई, सभी मुद्दे उसमें ले सकते हैं। बहू घर में आई है पर उसका लाभ नहीं डाला गया है, सब हो सकता है। तो इसके लिए भी राशन की सुनवाई के लिए ये सब मुद्दे जो अभी रखे हैं उसको लेकर आगे बढ़ना होगा। कोई एक आवेदन और एक चर्चा से बात नहीं छूटती है, ये आप ध्यान में रखना। नीचे से ऊपर तक बात करती है, आगे जाना पड़ता है। और महानगर पालिका के पहले की बात हुई ना, वार्ड सभा के लिए अपने अपने नगर सेवक को सभी लोगों ने एक पत्र देना है कि म्युनिसिपालिटी कानून के धारा 29 के तहत चुनाव के पहले आप अगर वार्ड सभा नहीं ले लेंगे, वार्ड सभा में हमारे मुद्दों की सुनवाई नहीं करेंगे, तो हम आपको वोट नहीं देंगे और कानून के तहत आप पर कार्रवाई करके आपका नगर सेवक पद भी रद्द करवाने की हम तैयारी करेंगे। समझ में आई बात? ये वार्ड सभा नगर सेवक ने नियमित लेनी होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा होती है, पर वार्ड सभा होती ही नहीं है, इसीलिए लोगों का नगर सेवक के द्वारा प्रतिनिधित्व कैसे होगा? संगठन ही प्रतिनिधित्व करता रहता है, ये बात गलत है। पूना में हमारे असलम बागवान जी ने उपवास करके वार्ड सभाएं शुरू करवाई, 9 दिन 10 दिन उनका उपवास हुआ। तो हर चीज पर इस प्रकार से लड़ना पड़ना ये सही बात नहीं है, पर लड़ना पड़ता ही है। तो जो जो मुद्दे हैं उसमें हरेक में क्या करना है आगे, ये सोच कर ही हम लोगों को आज यहाँ से अपनी ताकत, एकजुटता, विचारधारा और रणनीति और कार्यक्रम ये सोचते हुए ही आगे बढ़ना है, ये आपको कहना चाहती हूँ। राशन व्यवस्था बंद करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। 3 कानून जो किसान संघर्ष से, हमारे आंदोलन से 13 महीने में चला, 715 किसान शहीद हो गए, लेकिन उससे 3 कानून जो वापस करवाए, उसमें 1 कानून ऐसा था कि जिसके कारण राशन व्यवस्था बंद होने वाली थी। आज वो कानून तो वापस करवाए, लेकिन जैसे फिरोज भाई मिठी बोर वाला यहाँ बात रख के गए, बहुत बड़ी बात है साथियों। वो अदानी और अंबानी और ऐसे जो पूंजी का खेल खेलने वाले हैं, उनके ही गोडाउन में अनाज रखना चालू हो चुका है, इसलिए सरकारी गोडाउन बंद करने की तैयारी इन्होंने कब से की है। पर अभी 2016 में नीति आयोग का निर्णय होकर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि ऐसे हम करेंगे तो राशन व्यवस्था तो बंद हो जाएगी, क्योंकि राशन सरकारी गोडाउन के अनाज से ही आता है और उसके बदले वो पैसा डालने का सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं डीबीटी। जैसे बच्चों के भी स्कॉलरशिप के बदले जिसमें सामान देते थे, अब पैसा डालने का इन्होंने शुरू किया, तो हमारे नंदुरबार जिले में बहुत विरोध हुआ, रद्द करना पड़ा, क्योंकि अगर पैसा आएगा अनाज के बदले तो वो शराब के दुकान में जाएगा, जाएगा कि नहीं? महिला के हाथ से छीन लेगा पति, कुछ पति अच्छे भी होते हैं, भाई लोग सुन रहे हैं, अपने अपने दिल में झांको, सोचो कि कैसा व्यवहार होता है पैसे के साथ। इसलिए हमको जो अनाज चाहिए, राशन चाहिए, उसके लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम बस्ती बस्ती में जल्दी से जल्दी, आप अपनी जो कार्यकारी समिति है जिसमें नंदू भाई भी है, प्रकाश कुंभार भी है, गजानंद सिमाराना बसण्याची जागा अजूनही अधिकृतपणे उपलब्ध झालेली नाही, कृपया निश्चित करावी। महिला दिनानिमित्त उठवलेल्या या सर्व मुद्द्यावर आपण स्त्रीवादी भूमिकेतून संवेदनेने न्याय निश्चित कराल या विश्वासाचा आपल्या भगिनी। सुभद्रा ताई है, हमारी निर्मला गुप्ता है, सभी के साथ बैठकर आप लोगों को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि राशन के ऊपर जन सुनवाई कैसे होगी। और आवास के अधिकार पर मैंने कहा कि माड़ा की जमीन हो या राज्य सरकार की, जबकि 16 मई 2018 का आदेश है कि 2011 के पहले जिनका घर बना है उनका घर दूसरा घर दिए बिना नहीं तोड़ सकते हैं,
तो इसका उल्लंघन होता है, तो उन लोगों ने खड़े रहकर दूसरों के भी घर बचाना संभव होता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पूरी अर्जियां, आपके पूरे कागजात व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा। माहौल के बारे में आवेदन में हर चीज़ लिखी हुई है और हम लोगों को लीगल नोटिस देने की हमारी पूरी तैयारी है, पर हम लोग फिर भी रुके हैं और खबर आई है कि कल से MMRDA के कुर्ला प्रीमियर के बिल्डिंगों का काम शुरू हुआ है।